गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. दिस इज योर इंग्लिश ट्रेजर बुक लेसन नंबर 4 एंड आवर टॉपिक इज एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड मीन्स कि जिन वर्ड्स से हमारे एक्शन का पता चले कि हम क्या कर रहे हैं. एक्शन मीन्स कि काम क्या कर रहे हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स, कैन यू डू दीज एक्शंस? आई कैन जम्प, दिस इज अ फ्रॉग. And this is say, I can jump, can you? I can bend, can you? This is a giraffe. This is a fish, I can clap, can you? Elephant say, I can stomp, can you? This is cheetah, I can run, can you? The words in green are called action words because they show actions. जो यहाँ पे green color में जो words आए हैं, jump, bend, clap, stomp, run, these are action words because they show an action. तो उनसे हमें किसी काम का पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं. run दौड़ रहा है, stomp कर रहा है, clap कर रहा है, bend कर रहा है और jump कर रहा है. jump, तो ये सारे action words हैं. read these sentences. स्वाति वॉक्स बैक होम विद मदर. स्वाति अपनी मम्मा के साथ घर वापिस आई. वॉक मीन चल के वापिस आना, ये चलना उसका एक एक्शन है. द वर्ड वॉक्स शो स्वाति's एक्शन, सो वॉक्स इज एन एक्शन वर्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, जब हम किसी एक्शन के बारे में बात करें कि जो अभी भी हो रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है एक्शन, वी एड आई एन जी टू द एक्शन वर्ड. तो हम एक्शन वर्ड के एंड में आई एन जी एड कर देते हैं, तो उसका मीन हो जाता है कि वर्क अभी भी चल रहा है, हमारा एक्शन अभी भी हो रहा है. अजीता इज सिटिंग द इन द क्लासरूम राइट नाउ. सिट देयर इज अ एक्शन वर्ड एंड वी एड आई एन जी इन द एंड ऑफ अ एक्शन वर्ड. तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि अभी भी जो हमारा वर्क है वो हैपनिंग हो रहा है. तो अजीता अभी भी क्लास में राइट नाउ अभी बैठी है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ, तो बच्चे अभी भी पार्क में खेल रहे हैं. प्ले यहाँ पे एक्शन वर्ड है एंड वी एड आई एन जी इन द एंड ऑफ एक्शन वर्ड, तो इसका मीन्स कि वर्क अभी हो रहा है. ऑन द नेक्स्ट पेज लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स. तो हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को देख के जो हमारे एक्शन वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है. दिया थ्रोज द बॉल, तो थ्रो यहाँ पे एक्शन कर रही है वो. थ्रो करना मीन्स कि बॉल को फेंक रही है, तो उसका वो एक्शन है थ्रो है. ग्रैंडपा सिट्स इन अ चेयर, ग्रैंडपा सिट मीन्स बैठे हैं चेयर पे, तो सिट्स इज अ एक्शन वर्ड. डॉग बार्क्स एट मी, बार्क्स मीन्स भौंकना, तो बार्क्स इज अ एक्शन वर्ड. आई स्विम इन समर, स्विम तैरना, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तो स्विम इज अ एक्शन वर्ड. फादर बेक्स अ केक फॉर मी, बेक मी, फादर क्या कर रहे हैं, केक को बेक कर रहे हैं, तो बेक इज अ एक्शन वर्ड एंड अंडरलाइन द बेक्स. बी पार्ट देखिए, राइट व्हाट डू यू डू व्हेन यू, आप क्या करते हो जब आप होते हो. यू आर हैप्पी, आई स्माइल, तो हम क्या करते हैं, स्माइल करते हैं व्हेन हम, जब हम हैप्पी होते हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज व्हेन यू आर बोर्ड, जब तुम बोर हो जाती हो तो क्या करते हो. आई डैश अ स्टोरी बुक, तो रीड, वी रीड अ स्टोरी बुक. व्हेन यू आर टायर्ड, जब तुम थक जाते हो. आई डैश इन माई बेड, तो हम बेड पे क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं. I sleep in my bed. When you are about to eat food, जब हम खाने के बारे में सोचते हैं कि अभी हमें खाना खाना है, तो I dash my hands, wash. I wash my hands. When you are wake up in the morning, जब हम morning में उठते हैं, तो first work क्या करते हैं, I brush my teeth. Fill in the blanks with correct words from the boxes. These actions are happening now. इसका means ये देखिए happening word आ गया कि ये काम अभी हो रहे हैं. One has been done for you. The people are clapping in the hall. ये देखिए clap is a action word और इसके end में ing add हुआ है, इसका means कि अभी भी वो लोग clapping कर रहे हैं hall में.
तो सेकंड देखिए, आई एम डैश इन द टेम्पल, तो टेम्पल में मैं क्या कर रही हूँ, प्रेइंग, तो टेम्पल में हम प्रेइंग के लिए जाते हैं, आई एम प्रेइंग इन द टेम्पल। दे आर डैश एट माई जोक, जोक पे हम क्या करते हैं, हंसते हैं, लाफिंग, दे आर लाफिंग एट माई जोक, वो हंस रहे हैं मेरे जोक पर। रुबीना इज डैश इन हर स्केच बुक, रुबीना क्या कर रही है अपनी स्केच बुक में, ड्रॉइंग, यहाँ पे ड्रॉइंग फिल करोगे आप। लास्ट देखिए, द फेरी इज डैश विद हर वैंड, तो फेरी क्या करी अपनी वैंड के साथ, डांसिंग, DANCING, डांसिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्शन वर्ड्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। टेक केयर, बी हैप्पी।